हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करने वाली हूँ निधि जी के लिए। मैं इन जो मेरी सेम एज के मुझे लगते हैं तो मैं उनको दी और ये सब नहीं कह पाती। मुझे निधि जी और ये जो मेघा जी हैं, कंचन जी, इन सबको मैं देखती हूँ और तो मैं सबके नाम ही लेती हूँ। सॉरी अगर सबको बुरा लगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सारे सेम एज के हैं तो फिर दी और ये सब लगाने से क्या फ़ायदा ना। तो मैं आज बात करने वाली हूँ निधि जी के लिए। मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ उनको। जब उनका पहला वीडियो आया था ना, जब उन्होंने अपना स्टोरी बताया था, और सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ऐसे लोगों को ना, मैं मुझे अभी मुझे आप लोगों को बताने के लिए निकालना पड़ रही वर्डिंग, वरना मुझे वर्डिंग अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, 1% भी अच्छी नहीं लगती किसी को विधवा बोलना या फिर किसी को विडो बोलना। क्योंकि अब देखो, उनकी लाइफ में इतना बड़ा, ये क्या बोल सकते हो आप, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस इंसान को जो नॉर्मल लाइफ होती है उससे कट ऑफ कर देंगे, है ना। वो जो वो बोलती हैं ठीक है, वो अपनी जगह पे सही है और हर इंसान को अपने जीने का अपने तरीके से बिल्कुल हक है। जैसा वो बताती हैं, लोग बोलते हैं ये करो, आप विडो हो गई हो तो आप ये करो वो करो, कुछ नहीं यार, नॉर्मल लाइफ इंसान को जीना तो वैसे ही वो इतना मुश्किल में और इतना इतनी तकलीफ़ों में है, है ना। तो उसको और तकलीफ ऐसे बोल के मत दो। मुझे बस थोड़े से जगह पे कुछ कुछ कमियां उनकी लगी, जो कि सबसे पहला तो थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो ना, तो थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए करना पड़ता है ना। आप, मैं आपके सारे वीडियोस देखती हूँ। आपने बोला था कि मैं सिर्फ वीडियोस के लिए ये सब नहीं कर सकती, लेकिन डियर, कहीं ना कहीं आपको अपने सब्सक्राइबर को होल्ड करने के लिए ना, कि आपके ऊपर निगेटिव वीडियोस ना बने या फिर आपको लोग गलत ना बोलें, उनको होल्ड करने के लिए ना आपको ये सब भी थोड़ा करना पड़ेगा। देखो, हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें सोसाइटी के लिए करनी ही पड़ती हैं। तो इसी तरीके से थोड़ा सा जब आप किचन में अपना दिखा रहे हो तो थोड़ा सा मैनेज कर लो। भले ही ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सफाई रखो या बिल्कुल घिस घिस के करो, थोड़ा सा मैनेज रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक। सेकंड बात, मुझे एक जो बहुत, सफाई का तो छोड़, इंसान की अपनी अपनी स्टाइल है, अपने अपने रहने का स्टाइल है ना। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है आपकी सफाई की आदत है तो दूसरे की भी हो। सबकी 5 उंगलियां ना बराबर नहीं होती है, सब अलग अलग होती है, सबकी सोच अलग होती है। तो मुझे एक चीज़ जो गंदी लगी थी वो ये थी, जो आंटी को, आंटी अपने मन से जो डांस करती हैं, जो वो जो उनके वीडियोस में हज़ारों लोग देखते हैं और फिर उसके ऊपर गंदे संदे कमेंट्स करते हैं, वो मुझे थोड़ा सा बेकार लगा। क्योंकि ऐसे मुझे लगता है आंटी भी हमारी मदर की एज की हैं, और मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी, इन लोगों के एज की हैं, 50, 55, 58 समथिंग। इंसान बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स और बहुत गंदी गंदी तरीके से उन सब चीज़ों को ले लेता है, उन सब चीज़ों को देखने लगता है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो आंटी का डांस वो इंक्लूड करती हैं वो अच्छा नहीं लगता है, वो देखने में बिल्कुल भद्दा लगता है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो चीज़ें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, मानती हूँ आंटी को शौक़ है, आंटी को डांस करने का, अगर आप बोलते हो कि उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको शौक़ है, तो उनका एक अलग से चैनल खोल दो या फिर शॉर्ट्स वीडियोस बना दिया करो। उसमें क्या है कि जो वो गाती हैं उसके साथ साथ जो डांस करती हैं और फिर जो उनकी सांस फूलती है, वो सब चीज़ें सुनाई नहीं देंगी। और जब वो सुनाई नहीं देंगी ना, तो इतना सुनने में भद्दा और देखने में भद्दा नहीं लगता, सिर्फ देखने में ठीक लगता है। तो वो चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हो, शॉर्ट वीडियोस में, वो चीज़ें ठीक भी लगेंगी थोड़ा देखने में। लेकिन ऐसे अपने वीडियोस में दिखाना और सारे लोग फिर कमेंट्स करते हैं, लोग गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, लोग एक अपनी माओ के तरीके से नहीं देखते कि हाँ ये मतलब मेरी माँ के एज के हैं, फिर ऐसी हैं। लोग बस ऐसी अनाधुंध बोल के और चले जाते हैं, जो अच्छा नहीं लगता कहीं ना कहीं सुनने के लिए, अपने एल्डर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी अगर मेरी मेरे कोई भी शब्द से आपको हर्ट हुआ हो तो फिर उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी। बट मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी गंदी लग रही थी इसलिए मैंने बोल दिया।
तो मैं कुछ सुहाना जी के लिए भी बोलना चाहती हूँ, और अगर आप लोगों को सुनना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।